हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं पीएम यशस्वी छात्र वृत्ति दो, जो आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सामान्य ज्ञान के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और बच्चों, ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अभी जो बच्चे 9वीं में और 11वीं में है उनके लिए ही है एग्ज़ाम। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो मैंने अभी ढूंढे हैं, जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है, जो पीएम के कुछ क्वेश्चंस पेपर से उसमें से निकाले हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो रूस के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे बच्चों, अगर आपको पता नहीं है तो बच्चों इसका ऑप्शन है बी, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, जापान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन है, अगर आपका आंसर यहाँ पे जूडो है, दैट इज ऑप्शन डी, तो आपका एकदम सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो बच्चों आप इन चारों क्रिकेटर को बहुत अच्छे से जानते हो और भारत रत्न प्राप्त करने वाला एक ही क्रिकेटर है अभी हमारे इंडिया का, और वो है अपने सचिन तेंदुलकर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 24 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, नाव आगे बढ़ते बच्चों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बच्चों विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही थी बच्चों? तो अगर इसका आंसर आप मीरा कुमार अगर देते हो तो आपका आंसर एकदम सही है बच्चों। सबसे व्यस्त मानव का अंग कौन सा है बच्चों? तो अगर आपका आंसर अगर यहाँ पे हृदय है तो आपका एकदम आंसर करेक्ट है बच्चों। नाउ आगे बढ़ते, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पे देखो, ईंधन बनाने में, इसका यही करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस में अधिक ताप है? बर्फ, उबलता पानी, भाप, ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों भाप। और आगे बढ़ते हैं, राइनो वायरस की वजह बनता है, तो राइनो वजह की वजह यहाँ पे कौन बनता है बच्चों? तो इसका आंसर बच्चों आपको मुझे कमेंट करके लिखना होगा, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहो, अभी जल्दी हम लोग मैथ्स के भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे विद सॉल्यूशंस। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच बच्चों।